हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी कैटेगरी स्क्रीन और हमारी लेवल स्क्रीन को डिजाइन करना। सो लेट गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो गाइस कैटेगरी स्क्रीन को क्रिएट करने के लिए अगेन मैं रेक्टेंगल का यहाँ पे यूज करूंगा। तो मैं ये जो रेक्टेंगल इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और देन यहाँ पे लाकर इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा साइज जो है इसका मैं इंक्रीज करूंगा और देन यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको भी मैं यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ और उसपे लाके प्लेस कर देता हूँ। और देन यहाँ पे जो कैटेगरी है पहली वो मैं यहाँ पे जावा टाइप करता हूँ क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग वाला बंदा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल जावा कैटेगरी का यूज करूंगा। तो इसका मैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी यहाँ पे पहली कैटेगरी आ गई है। अब ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट की मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ और मैं एक और यहाँ पे इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर देता हूँ। देन अगेन फिर एक और मैं यहाँ पे डुप्लीकेट क्रिएट कर देता हूँ और अगेन एक और। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चार डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट है मैं चेंज कर देता हूँ कॉटलाइन, और देन जो ये वाला टेक्स्ट है इसको मैं चेंज कर देता हूँ लाइक पाइथन। और देन फाइनली एक जो लास्ट कैटेगरी है ये है मैं यहाँ पे कर देता हूँ डार्ट। तो चारों की चारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मैंने यहाँ पे नाम लिखा है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अलाइनमेंट टूल के जरिए इसको मैं बिल्कुल सेंटर में कर देता हूँ। पाइथन को सिलेक्ट करते हैं और जो उसके एलिमेंट है बैकवर्ड उसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको भी हम सेंटर कर देते हैं स्क्रीन में। कॉटलिन को सिलेक्ट करते हैं और देन यहाँ से इसको भी कर देते हैं सेंटर ऑफ द स्क्रीन में। नाउ अब फाइनली इसका मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फिल को चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से कोई भी एक रैंडम फिल मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ। थोड़ा डार्क यूज करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो व्हाइट यूज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चीज आपको ध्यान में रखना है। देन पाइथन को मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से। एंड देन जो डार्ट है हमारा इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ, डार्क ब्लू। तो यहाँ पे हमारी ये कैटेगरी स्क्रीन हो चुकी है रेडी। तो अगर यूजर यहाँ पे क्लिक करता है देन हम यहाँ पे आ जाएंगे हमारी लेवल स्क्रीन के अंदर। अब लेवल स्क्रीन को क्रिएट करने के लिए भी मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फिर से अगेन रेक्टेंगल का, बट यहाँ पे मुझे इसको थोड़ा सा स्क्वायर फॉर्म में करना होगा। तो मैं यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में रखता हूँ, तो शिफ्ट की प्रेस करके ही आप रेक्टेंगल के स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ होगा। अगर आप शिफ्ट की नहीं प्रेस करते तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ हो जाएगा, जो कि आप क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हो। तो इसलिए क्वाड्रेटिक्स भी कह सकते हो या क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो या फिर आप रेक्टेंगल भी कह सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस वाले को भी डिलीट कर देता हूँ। तो वी की प्रेस करता हूँ, सिलेक्शन मोड में मैं आ गया, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। देन इसका जो थोड़े से कॉर्नर्स उसको मुझे राउंड करना है, तो थोड़े इस तरीके से मैं इसको राउंड कर देता हूँ। देन जो बॉर्डर है वो मुझे नहीं चाहिए तो बॉर्डर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे मैं इसको प्लेस करता हूँ। बिफोर प्लेसिंग अब यहाँ पे मेरे को इसके दो सेट क्रिएट करने हैं, तो उसको मैं एक और बार डुप्लीकेट करता हूँ। तो यहाँ पे दो सेट क्यों, क्योंकि एक होगा लेवल लॉक के लिए, एक होगा अनलॉक के लिए। बाय डिफॉल्ट हमारा जो पहला लेवल होगा वो अनलॉक होगा क्योंकि उससे उसी से हमें यूजर को अलाउ करना है क्विज को खेलना। ओके, तो अब इसको हम यहाँ पे कलर देते हैं पहले। तो यहाँ पे फिल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं इसका जो कलर है, तो कलर मैं यहाँ पे ये वाला यूज कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे सेटिंग्स को दिया था। तो यहाँ से मैंने ये वाला कलर यूज कर लिया। देन ये जो लेवल लॉक की इमेज है मीन्स जो अनलॉक की इमेज है वो मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और थोड़ा सा उसको इंक्रीज करता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने लेवल लॉक की इमेज जो है इसको सिलेक्ट कर दिया, तो देखते हैं बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए इसको, और थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ करते हैं। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को डिस्प्ले कराएंगे और यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, इसको लाके यहाँ पे प्लेस करते हैं। इसको यहाँ पे मैं नाम देता हूँ लाइक लेवल वन। ओके, एंड देन इसका जो साइज है उसको छोटा करना है, तो उसको यहाँ पे सिंपली हम साइज को छोटा कर देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा लेवल वन होगा जो अनलॉक होगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद हमारे को इसको भी कलर देना है, तो उसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और लाइक ब्लू कलर आप दे सकते हो। थोड़ा सा अब हम इसके कलर को चेंज कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, या फिर हम डार्क पर्पल का यूज करते हैं। तो ये कलर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है तो इसका मैं यूज करता हूँ। और ये हमारा होगा लेवल लॉक। तो यहाँ से अब हम लेवल लॉक की जो इमेज है इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। तो फ्रंट पे मैं ले आया, देन इसकी जो डायमेंशन है देखता हूँ 54x78 है, तो इसकी भी कर देते हैं 54। तो ये तो एक्चुअली में हमारा ये है, हमें लेवल को सिलेक्ट करना है, लॉक वाली इमेज 54 कर देते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसके बराबर ही साइज आ गया है इसका भी, तो इसको भी हम सेंटर में कर देते हैं। देन आप देख सकते हैं जो स्मार्ट गाइडलाइन है वो हमें बता रहे हैं कि जो दोनों की दोनों लॉक इमेजेस हैं परफेक्टली सेंटर में है और एक ही जैसे जो डिजाइन है वो बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे लाके इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, मीन्स प्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे इसको नाम देता हूँ लेवल टू। तो लेवल टू हमारा लॉक है, ठीक है गाइस। तो अब इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, तो ये काफी ज्यादा बड़ा है आई थिंक, तो इनको मुझे सिलेक्ट करना होगा। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको जो साइज है थोड़ा छोटा करता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ। सिमिलरली अब देखता हूँ जो इसका साइज है 150x150 है, तो उसका भी कर देता हूँ 150x, और इसका भी कर देता हूँ 150। ओके, देन सबसे पहले मैं लॉक को सिलेक्ट करता हूँ, उसको सेंटर में कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं कुछ इस तरीके से, और इसका जो साइज है थोड़ा और छोटा
करते हैं एंड देन थोड़ा सा जूम इंक्रीज करते हैं क्योंकि अब हमें थोड़ा केयरफुली काम करना होगा। देन अब इसको भी सिलेक्ट करते हैं और इसको स्मार्ट गाइडलाइन के थ्रू सेट कर देते हैं तो सेंटर में है बिल्कुल, तो दोनों के दोनों बिल्कुल सेंटर में। और देन इसका जो साइज है उसको भी कम करना है हमें, ये हो गया हमारा लेवल टू। इसका थोड़ा सा और साइज डिक्रीज करते हैं, ये हो गया लेवल वन। ओके तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। इनको अब ट्रैक करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा लेवल वन और ये हो जाएगा हमारा लेवल टू। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये रहेंगे हमारे, इस तरीके से हम एंड्रॉइड स्टूडियो में डेवलप करेंगे। तो इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। तो कुल मिला के मेरी जो क्विज होगी गाइस इसमें 6 लेवल में इंप्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा, तो काफी ज्यादा रहेगा ये क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो। तो ओल्ड की का प्रेस यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं एक और ड्रैग करता हूँ, देन एक और मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। तो ओल्ड की से काफी जल्दी काम हो जाता है, सिंपल आप ड्रैग करके प्लेस भी कर सकते हो साथ के साथ ही, ये काफी ज्यादा इसलिए मेरे को बेस्ट लगता है ओल्ड की वाला कंसेप्ट, उससे डुप्लीकेट भी क्रिएट होता है। बड़ा आप देख सकते हो यहाँ पे ये परफेक्टली आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये हो गया लेवल 3, इसका चेंज कर देते हैं टेस्ट लेवल 4 और ये हो जाएगा हमारा लेवल 5 और देन दिस इज अवर लेवल 6। तो ये हमारी हो जाएगी लेवल स्क्रीन। तो जैसे कि हमारा पहला जो लेवल है वो बाय डिफॉल्ट अनलॉक रहेगा, तो जब यूजर उस पर टैप करेगा तो हमारी जो क्विज है वो अनलॉक हो जाएगी। अब इसको भी हम सिलेक्ट करके बिल्कुल सेंटर में कर देते हैं बराबर, मतलब इसके ले आते हैं तो आप देख सकते हो बिल्कुल बराबर है। इनको सिलेक्ट करते हैं तो ये भी बिल्कुल बराबर है और इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये भी बराबर है। सबके सब जो है इनका जो लेआउट है बिल्कुल सही डायमेंशन में है, तो प्रॉपरली ये सारे के सारे अब यहाँ पे डिजाइन हो चुके हैं। तो ये हमारी हो चुकी है इस लेवल स्क्रीन भी डिजाइन। अब जो हमारे को नेक्स्ट स्क्रीन डिजाइन करनी है वो करनी है क्विज स्क्रीन, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आर्टबोर्ड को डुप्लीकेट कर देता हूँ, इन सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ बिकॉज मैं सही टाइम पे भूल गया था एक और हमें आर्टबोर्ड को डुप्लीकेट करना, इसको डिलीट कर देते हैं। और ये हमारी हो जाएगी और ये हमारी हो जाएगी क्विज स्क्रीन, तो उसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ लाइक क्विज स्क्रीन, अंडरस्कोर कर देते हैं और उसको स्क्रीन भी नाम दे देते हैं, तो स्क्रीब हो गया लास्ट जो है टेक्स्ट, उसको चेंज कर देते हैं क्विज स्क्रीन। देन इसको डुप्लीकेट करते हैं और इसको नीचे लेके आते हैं और ये हो जाएगी हमारी लाइक सेटिंग स्क्रीन, और देन एक और बार डुप्लीकेट करते हैं और ये हो जाएगी हमारी रिजल्ट स्क्रीन। तो ये सारे के सारे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्विज स्क्रीन को क्रिएट करेंगे देन बाकी इन दोनों स्क्रीन को हम क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कई जो डिफरेंट ड्रॉएबल स्क्रीन होती है वो नहीं क्रिएट करूंगा, वो मैंने आपको काफी जो सीरीज बनाई जैसे क्विज ऑफ नॉलेज में भी मैंने आपको बता दिया था, देन रिट्रीवर क्विज के अंदर भी मैंने दो बताए थे आपको, तो वो आपको पता है कि कैसे क्रिएट होती है तो उसको बनाने की तो जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर मैं आपको यहाँ पे बेसिक सी जो लेआउट है हमारी एप्लीकेशन की वो हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं कि कैसे हमारी लेवल ऑफ क्विज दिखेगी। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके से हमारी लेवल ऑफ क्विज की शेप बनती जा रही है। थोड़ा बहुत आप चाहो तो चेंजेस कर सकते हो, एंड्रॉइड स्टूडियो में थोड़ा सा और राउंडेड वगैरह कर देंगे, ये तो जैसे बेस आइडिया हम ले रहे हैं क्योंकि इंस्टेंट डायरेक्टली अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो में जाते हो एप्लीकेशन को डेवलप करने तो वहां पे प्रॉब्लम है कि कोडिंग जब अगर आपने एक बार कर दी तो आपको बार बार काफी बार कोडिंग को चेंज करना पड़ेगा। सो इसीलिए मैं पहले यहाँ पे जो यूआई है उसको डेवलप करता हूँ, देन उसके बाद फाइनली मैं जो डेवलपमेंट है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर डिजाइनिंग पार्ट उसको डन करता हूँ और देन उसके बाद फिर मैं लॉजिकल पार्ट करता हूँ। सबसे पहले हालांकि मैं लॉजिकल पार्ट को इम्प्लीमेंट करता हूँ, जो कोर लॉजिक होता है जैसे कि लेवल लॉक एंड अनलॉक फंक्शनलिटी का जो लॉजिक था पहले मैंने उस पर काम किया था। उसके बाद जब वो एक बार वर्क करने में हो गया था परफेक्टली, देन उसके बाद फिर मैंने जो ये हमारे एनहांसमेंट्स होते हैं जो कि लेवल के, इन पे काम करना स्टार्ट किया था और देन फाइनली फिर डिजाइन को मैं इम्प्रूव करता हूँ। तो इस तरीके से काम करता हूँ क्योंकि डिजाइन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है और अगर आपका कोर लॉजिक वर्क नहीं करता तो प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो डिजाइनिंग की जितनी भी मेहनत है वो सारी वेस्ट हो जाती है। हालांकि आप डिजाइनिंग में आपको एक्सपीरियंस तो मिलता है कि आपने कम समय में एक डिजाइन क्रिएट किया, लेकिन फिर भी जो कोर लॉजिक की फंक्शनलिटी होती है वो आपको सबसे पहले इंप्लीमेंट करनी चाहिए। और उसी तरीके से मैंने आपको ट्रिवर क्विज बना के भी दिखाई थी और धीरे धीरे हम अब अपनी एप्लीकेशन की यूआई जो है उसको मॉडिफाई करते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लेवल ऑफ क्विज का यूआई मॉडिफाई कर रहे हैं। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं नई वीडियोस अपलोड करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।